हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं कार्नेज का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं HQ स्टूडियोज का क्रिकेट अनलिस्ट 2020 मेगा पैच फॉर EA स्पोर्ट्स क्रिकेट 2007 का इंस्टॉलेशन और एक गेम प्ले का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने इस मेगा पैच का ट्रेलर और फीचर वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखें और फिर इस वीडियो पे दोबारा वापस आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेने से पहले क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो इस पैच की रिक्वायरमेंट्स हैं क्रिकेट अनलिस्ट बाय HQ.7Z। तो सबसे पहले आप जाएं गूगल क्रोम में आप सर्च करें मेगा क्रिकेट स्टूडियो। मेगा क्रिकेट स्टूडियो की वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप ऊपर टॉप बार में जाकर मेगा पे अपना माउस होवर करें, EA स्पोर्ट्स क्रिकेट 2020 PC गेम डाउनलोड पर क्लिक करें। इस पेज के खुलने के बाद ये जो पेज है, इसमें आपको इस साल जितने भी मेगा पैचेस रिलीज होने वाले हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो इस पेज के सबसे एंड में जाकर आप HQ स्टूडियोज क्रिकेट अनलिस्ट 2020 के डेडिकेटेड इमेज की तरफ जाएं और वहां डाउनलोड नाउ पर क्लिक करें। डाउनलोड नाउ करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें आपको HQ स्टूडियोज के द्वारा जितने भी पैच इस साल आने वाले हैं उसकी डिटेल मिलेगी। उसमें सबसे नीचे जाकर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें और उसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें इस पैच के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा और डाउनलोड लिंक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलहाल आपको ये पैच खरीदना पड़ेगा। इसका ओरिजिनल प्राइस है 250 रुपीज, बट करेंटली ये पैच आपको 50 रुपीज में प्रोवाइड किया जा रहा है मेगा क्रिकेट स्टूडियो की और HQ स्टूडियोज की पार्टनरशिप की बदौलत। तो आप इसमें डाउनलोड सेक्शन में जाकर परचेज का आपको एक ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा, वहां पर आप क्लिक करें और वो पेज आपको ले जाएगा प्रभुल केवी के फेसबुक पेज पर। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्रभुल को मैसेज करना है उनके फेसबुक अकाउंट में कि आप ये पैच खरीदना चाहते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप परचेज कीजिए। उसके बाद आपको वो एक मीडिया फायर का लिंक प्रोवाइड कराएंगे। जो मीडिया फायर का लिंक है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पैच का साइज है 1.66 GB। जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी आप डेस्कटॉप में उसको ले आएं। डेस्कटॉप में लाने के बाद आप उसको ओपन करें और उसको एक्सट्रैक्ट करें WinRAR WinZip के थ्रू। आप WinRAR यूज कर सकते हैं, मैं भी इसे यूज करता हूं। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल के एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप एक फोल्डर बनाएं, उसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं क्रिकेट 2020 रख रहा हूं। तो फोल्डर का नाम रखने के बाद आप जो फाइल आपने एक्सट्रैक्ट करी थी वहां पर जाएं और क्रिकेट अनलिस्ट बाय HQ.exe को रन करें। रन करने के बाद इस गेम का इंस्टॉलर खुलेगा। इंस्टॉलर खुलने के बाद आप आगे जाएं और जब वो इंस्टॉलर आपको लोकेशन डालने के लिए बोलेगा तो आप वहां पर क्रिकेट 2020 यानी कि जो फोल्डर आपने बनाया है उसे सिलेक्ट करके उस जगह पर इंस्टॉल कर दीजिए। गेम के इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पर डिपेंड करता है। इंस्टॉल होने के बाद आप इम्पोर्टेंट नोट .txt को ओपन करें और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं उनको फॉलो कीजिए, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप गेम को खोलें जहाँ पर आपने वो इंस्टॉल करी है और उस फोल्डर में जाने के बाद वहाँ पर रोस्टर और प्रोफाइल की कुछ फाइल्स हैं, उन्हें कॉपी कर लीजिए, जैसे कि 18.ros, ashes.ros और प्रोफाइल भी हैं, उन्हें कॉपी कर माई डॉक्यूमेंट्स में EA स्पोर्ट्स क्रिकेट 2007 के फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप गेम को रन कीजिए क्रिकेट अनलिस्ट .exe से, जो कि डेस्कटॉप पे आपको दिख जाएगा। इसको ओपन करने के बाद वो आपको डायरेक्टरी के लिए बोलेगा, अपनी डायरेक्टरी सिलेक्ट कीजिए। डायरेक्टरी आपको उस फोल्डर को डालना है जहाँ पे आपने गेम इंस्टॉल करी है, जैसे कि इस केस में क्रिकेट 2020। ये चीज़ यहाँ पे शो नहीं हुई क्योंकि ये गेम मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी थी। तो जैसे ही आप ये कर लेंगे आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। गेम स्टार्ट होने के बाद आपको सबसे पहले प्रोफाइल को लोड करना है, जो कि प्री चैन करके है। उसको लोड करने के बाद आप
रोस्टर लोड कीजिए। यहाँ पर दो तरह के रोस्टर थे इस पैच के साथ, 18 और एशिस। अगर आपको एशिस क्रिकेट खेलनी है तो आप एशिस वाला रोस्टर लोड करके एशिस खेल सकते हैं, और अगर आपको बाकी सारे टूर्नामेंट्स खेलने हैं या सीरीज खेलनी है इस पैच की तो आप 18 वाला रोस्टर लोड कीजिए। और मैं आपको अब टूर्नामेंट्स दिखा रहा हूँ कौन कौन से इस पैच में हैं और कौन कौन से फिक्स्चर आपको सिलेक्ट करने हैं उन स्पेसिफिक टूर्नामेंट को खेलने के लिए, ताकि गेम क्रैश ना हो। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे, आप टूर्नामेंट्स के बारे में देखिए। हम चलते हैं पैच के गेम प्ले की तरफ। तो मैं आपको एग्जीबिशन मैच खेल के दिखा रहा हूँ, आप कोई भी टूर्नामेंट या एशेज खेल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं टीम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेल लेते हैं। चलिए तो ये मैच हम इंडिया में खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर टीम सिलेक्ट हो गई, आप टीम सिलेक्ट कीजिए और गेम को रन कीजिए और यहाँ पर आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें। तो दोस्तों और भी मेगा पैचेस को डाउनलोड करने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं megacricketstudio.blogspot.com पे। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। You have to bat first. The pitch will deteriorate so much so that you might even see it break up and pieces come out. The bounce will get uneven. Yeah, get your runs on the board first. Stop doing the covers. Well, he's seeing it like a beach ball out there now. Beautifully played. You couldn't imagine anything better. I certainly saw that one early. Now that's not the right line to bowl to this guy, not at all. He'll thrash you if you bowl there. It's straight to a fielder. Foolish running, that's simply throwing wickets away. Well, they got themselves in a right pickle out there, look at the price they paid. We can have a look at that again. Struck that well. I'll tell you what, he scores the vast majority of his runs through the leg side.